Hey, what's up guys and welcome back to another video। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ MIUI की कुछ टॉक एंड्रॉइड बेस्ड थीम्स। एंड यार इसमें एक आपको MIUI 11 की थीम भी देखने को मिल जाती है, तो यार वीडियो को पूरा देखना एंड एक भी पार्ट मिस मत करना। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप आगे जाके नोटिफिकेशंस को मिस ना कर जाएं। तो यार फटाफट से थीम स्टोर पे चले जाते हैं, मैं आपको जाके आज की थीम शोकेस कर देता हूं। तो यहां पर चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर एंड माय पेज एंड थीम्स। तो जो यहाँ पे आपको फर्स्ट थीम देखने को मिल जाती है स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड, उस थीम का नाम है दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस डुअल। एंड ये काफी ज्यादा मस्त और काफी बढ़िया थीम आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें नेविगेशन बटन में भी चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि हम अभी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर इसे अप्लाई कर लें तो यहाँ पे आए ये आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको उसमें वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है डबल क्लिक से, साथ साथ यहाँ पे आपको आइकन्स में भी चेंजेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे स्टॉक एंड्रॉइड वाले हो गए हैं। तो इसको डबल टैप करिए एंड वॉलपेपर चेंज। उसके बाद दोस्तों आपको इसके हर आइकन में आपको एनिमेशन देखने को मिलती है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। लाइक मैं आपको शोकेस करता हूँ, यहाँ पे अगर जल्दी सेटिंग्स के बंद करें तो यहाँ पे गोल घूम रहा है, सेम यहाँ पे डायलर के साथ भी होता है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। सेटिंग मेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें डायलर मेन्यू के बारे में, तो डायलर मेन्यू आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले हम कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, वाइट और ब्लू का मिक्सचर है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर ले आप लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आएगा। अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं क्लॉक स्टाइल को, एंड फुल स्क्रीन म्यूजिक ब्लर को भी ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर आप गाना चलाएंगे तो यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, सिर्फ म्यूजिक वाला दिखेगा, तो ये भी आपको इसमें एक फीचर देखने को मिलता है। ऊपर स्वाइप करिए एंड आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फर्स्ट स्टॉक एंड्रॉइड थीम। और एक भाई ने बोला था कि भाई ज़्यादा थीम्स लाया करो, दो कम है, तो यार ये इस वीडियो आपके लिए स्पेशल चार थीम्स लेके आया हूँ। इस बार जितनी मेरे को अच्छी लगी मिलेंगी उतनी मिलाऊंगा ना यार। तो पिक्सल एक्सपीरियंस डुअल के अंदर आपको गूगल की बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, मैं सोच रहा हूँ कि बार बार क्या दिखाऊं, तो ये वाली आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें नेक्स्ट थीम के बारे में, तो ये है फॉर MIUI 11 यूजर्स, जिसका नाम है पिक्सल डार्क। एंड इसका कंट्रोल स्टेटस में बार जो है वो आप चेकआउट कर लेना खुद से, और सेटिंग्स और डायलर भी, क्योंकि यार मैं MIUI 12 पे आ चुका हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी मैं आइकन्स और लॉक स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। तो यार यहाँ पे अप्लाई हो रही है बस थीम, एंड ये हो गई अप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी कमाल का जो है वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, मेरे को तो यार काफ़ी पसंद आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एनिमेशन इसमें भी देखने को मिलती है, बट जैसे कि मैंने कहा सेटिंग वगैरह में मेरा चेंज नहीं होगा, मैं MIUI 12 पे हूँ, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आपको एनिमेशन देखने को मिलती है, और सेम यहाँ पे डायलर मेन्यू में भी है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसमें भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ये पिछले स्टाइल का जो होता था ना, शायद MIUI का होता था या गूगल का ही होता था, उस टाइप का आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई आज की हमारी सेकेंड थीम। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड थीम के बारे में। तो दोस्तों जो थर्ड थीम आपको देखने को मिलती है उसका नाम है गूगल पिक्सल, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की थीम है, इसे यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एंड दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी मैं थीम्स की बात कर रहा हूँ, इसका डाउनलोड लिंक, थीम्स के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ वो मेरे ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगा। तो यार फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ ब्लॉग पे, थीम के नाम डिस्क्रिप्शन, और हो सका तो मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों ये थीम की अप्लाई, एंड कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे लुक आ जाता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, जो कि और आइकन्स भी थोड़े डिफरेंट है यहाँ पे। और मुझे नहीं पता बजट कहाँ भाग गया, तो पता नहीं यार बजट भाग गया शायद। तो यहाँ पे आपको दोस्तों इसमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। एंड सेटिंग मेन्यू अगर हम बात कर लें, तो एंड्रॉयड 8 वाला अगर आपको याद हो सिस्टम, तो उस टाइप का आपको यहाँ पे सेटिंग्स मेन्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लें इसके लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, जो कि पिक्सल स्टाइल है फुली। एंड सेटिंग्स पे टैप करेंगे तो यहाँ से जाके आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है कि लॉक स्टाइल फिंगरप्रिंट रखना है या स्लाइड अप, तो स्लाइड अप वाला से ज़्यादा बेटर फिंगरप्रिंट है, जैसे कि स्क्रीन पे बना आता है, तो आप बता सकते हैं भाई हमारे पास स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट है, देख लो, बस आपको टैप करना है। एंड फेस अनलॉक से आप इसको खोल सकते हैं, टैप करिए और फेस अनलॉक से खुल जाएगा, तो लगेगा यार रियल फिंगरप्रिंट है, तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बस ये एक ट्रिक मेरे को लगी, तो आप इसको जरूर से चेकआउट कर लेना। तो ये हो गई आज की हमारी तीन थीम्स। अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में, जिसका नाम है डार्क पिक्सल।
एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यार यहाँ से इसे अप्लाई मारते हैं। एंड यार अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो जाके नहीं देखी ना, मैंने एक एप्लीकेशन सिग्नल के ऊपर बनाई थी, व्हाट्सएप का काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, तो जरूर से जाके चेकआउट करो उस वीडियो को। फुल फीचर्स बताए हैं, फुल्ली एक्सप्लेन किया उस ऐप को, जरूर से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड स्क्रीन एंड कार्ड में भी डाल दूंगा, तो जाओ यार चेकआउट कर लो अभी के अभी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इस थीम के बारे में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल के एनिमेशंस देखने को मिलती है एंड वॉलपेपर भी काफ़ी बढ़िया है, और मैं इस थीम को दो दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। एंड सेटिंग्स मेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डार्क सपोर्ट देखने को मिलता है, ओनली डार्क है, तो ये एक डार्क एंड स्टॉक एंड्रॉइड थीम है, ठीक है। और जब इसको बंद करेंगे तो इसमें एनिमेशन आती है आइकन्स के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें दोस्तों डायलॉग मेन्यू के बारे में, तो वो भी आपको इसमें डार्क देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है विद एनिमेशन ऑल्सो। एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की अगर हम बात करें तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि एक तो ग्रेडियंट फिनिश आती है हर आइकन में, एंड आइकन्स के अंदर भी यहाँ पे चेंज है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मस्त लगा इसका कंट्रोल सेंटर। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें फाइनल चीज़ जो कि है लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, जो पिछली वाली थीम थी उसी टाइप की आपको देखने को मिल जाती है। मेन हाईलाइट यार मेरे को इसका कंट्रोल सेंटर लगा, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो भाई यही थी आज की थीम्स एंड आज की वीडियो। तो अगर आपको आज की थीम्स और आज की वीडियो जरा से भी पसंद आ गई हो ना यार, तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक मार दो जाके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन थीम्स का आनंद उठा सके। एंड काम खत्म करते हैं यार वीडियो को, और साथ साथ यार पिछली वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, एंड इसके आगे जो वीडियो आएगी वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी, तो यार उसको भी यार जरूर से पूरा सपोर्ट दिखाना यार। और जो मेरा नया ब्लॉग के बारे में बताया है वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, फर्स्ट लिंक है, तो जाओ यार उस ब्लॉग पे भी पढ़ो, उस पे भी 13-14 या 16 आर्टिकल्स डल चुके होंगे अभी तक, तो जाओ यार जाके उसको पढ़ो और यार पूरा सपोर्ट दिखाओ यार अपना, और देखते हैं यार मेरे एक्सट्रीम टेक फैमिली में कितनी पावर है, तो जाओ यार ब्लॉग को सपोर्ट दिखाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस वीडियो में जितना भी मैंने कुछ बोला है और कंटेंट जो भी मैंने बताया लाइक थीम्स और उसकी इन्फो, आपको हर एक चीज़ उस ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगी, तो जाओ यार अभी के अभी चेकआउट कर लो, और मेरे को लिंक्स मिले तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो ये मेरा प्रमोशन भी हो गया, तो बस हो गया काम आज का। एंड मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो मेरे को कमेंट में डाल दो, मैं टॉपिक ढूंढता रहता हूं, तो पढ़ लूंगा और आपका टॉपिक पे शायद वीडियो भी डाल दूं, तो जरूर से मेरे को बता देना। तो मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टाटा।